पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का 23 जून को 14वां महासम्मेलन में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के शनिवार को धारशिला आगमन को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल व उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने गुरुवार को कार्यक्रम स्थल पर की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया। एसएसपी ने देश परंगना बेजू मुर्मू से कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उपस्थित अधिकारियों ने बैरिकेडिंग के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके पश्चात संभावित हेलीपैड स्थल सर्कस मैदान का भी निरीक्षण किया गया। दूसरी ओर घाटशिला के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बुरुडी डैम में वन विभाग द्वारा बनाए जाने वाले गेस्ट हाउस का 23 जून को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भूमि पूजन करेंगे, जिसको लेकर साफ सफाई साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार, घाटशिला अनुमंडल पदाधिकारी सच्चिदानंद महतो, मुसाबनी डीएसपी संदीप भगत, घाटशिला प्रखंड विकास पदाधिकारी यूनिका शर्मा, अंचल अधिकारी निशांत अंबर, घाटशिला थाना प्रभारी मधुसूदन डे, माऊ भंडार ओपी के एसआई मनोज कुमार समेत काफी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। झारखंड श्रमिक संघ ने अस्थायी मजदूर की समस्याओं को लेकर अध्यक्ष काजल डॉन के नेतृत्व में गुरुवार को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड माऊ भंडार इकाई के कार्यपालक निदेशक श्याम सुंदर सेट्टी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में 1 मार्च 2024 का जो टेंडर प्रक्रिया हुआ है, उस टेंडर प्रक्रिया के समाप्त होने से पहले निम्नलिखित बातों को विचार कर मजदूर हित के लिए आगे की कार्रवाई करने की आग्रह किया गया। सभी 450 नॉमिनियों को अगला टेंडर में काम में रखा जाए, सभी मजदूरों को महीने में 26 दिन का काम मिले, उसके हिसाब से टेंडर प्रक्रिया बनाया जाए। झारखंड श्रमिक संघ के अध्यक्ष काजल डॉन ने बताया कि सभी मजदूरों को हैंड ग्लव्स और जूता उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसी तरह का मुसीबत आए तो उसका आसानी से वह सामना कर सके। इस टेंडर प्रक्रिया समाप्त होने से पहले अगला टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए, ताकि मजदूरों को काम से वंचित नहीं रहना पड़े। इस मौके पर डीजीएम एसके झा, एचआर हेड अर्जुन लोहरा, झारखंड श्रमिक संघ के सचिव मृत्युंजय यादव, कार्यालय सचिव प्रताप दास, कार्यकारिणी सदस्य मदन मुर्मू, मोन्टू महिला उपस्थित थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। आज हम लोग हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड माऊ भंडार जो यूनिट इकाई है कार्यपालक निर्देशक से मिले, और ये 1 मार्च 2024 को जो टेंडर प्रक्रिया के तहत जो हमारे अस्थायी मजदूर नॉमिनी भाई लोगों का जो काम हो रहा है, इस काम का अवधि समाप्त होने से पहले हम लोगों ने चार मांग रखी है। चार मांगों में पहला मांग है कि जो नॉमिनी भाई छूट गए हैं, 450 नॉमिनी में से 317 लोग काम कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी अगला टेंडर प्रक्रिया में शामिल किया जाए, ताकि उन लोगों का भी चूल्हा सही तरीक़ा से चल सके और उन लोगों ने अपना परिवार भरण पोषण बढ़िया से कर सके। दूसरी बात है कि अभी 13 दिन का काम मिल रहा है, अगला टेंडर प्रक्रिया मजदूर हित में रखते हुए 26 दिन का काम इस तरह मिलेंगे मजदूरों को, उस प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि मजदूरों को महीना में 26 दिन काम मिल सके। तीसरा है कि अभी बरसात का समय है और भी जगह जगह झाड़ी जंगल काट रहे हैं, सांप बिच्छू का डर है, बहुत सारा चीज़ है, तो हैंड ग्लव्स और जूता के लिए मांग किए हैं कि ठेकेदार द्वारा हैंड ग्लव्स और जूता उपलब्ध कराया जाए, ताकि मजदूर को काम करने में सुविधा हो। और चौथा नंबर जो दिए हैं कि ये समय अवधि रहते हुए, ये टेंडर की समय अवधि रहते हुए अगला टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर लीजिए, ताकि मजदूर जिस तरह से काम कर रहे हैं उसी तरह से काम लगातार करते रहें, उन्हें बीच में बैठने की ज़रूरत ना पड़े। इन्हीं मांगों पर हम लोगों ने हमारे कार्यपालक निर्देशक ईडी साहब से मिलकर रखे हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया कि जितना जल्द होगा, जो जो होगा मुझसे संभव, मैंने बहुत जल्द इस पर कार्रवाई करते हुए मजदूर हित में काम करेंगे। धन्यवाद।